सुप्रीम कोर्ट ने 2017 के एक्ट्रेस यौन उत्पीड़न मामले में मुख्य आरोपी सुनील एनएस, जिसे पल्सर सुनी के नाम से भी जाना जाता है, को जमानत दे दी है। सुनील 7.5 साल से अधिक समय से जेल में है और मुकदमे की प्रगति धीमी हो रही है। उन पर फरवरी 2017 में कोची के पास एक गाड़ी में एक्ट्रेस का अपहरण और यौन उत्पीड़न करने का आरोप है। सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने बताया कि अभियोजन पक्ष के 268 गवाहों से पूछताछ की जा चुकी है और मामले में 9 आरोपी हैं, जिससे सीआरपीसी की धारा 313 के तहत बयान दर्ज करने में भी समय लगेगा। अदालत ने यह भी ध्यान में रखा कि अन्य सभी सह आरोपियों को जमानत मिल चुकी है और सुनील को भी जमानत देने का निर्णय उचित है। केरल हाईकोर्ट ने इस साल की शुरुआत में सुनील की 10वीं जमानत याचिका खारिज की थी और 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया था। हाईकोर्ट ने यह भी कहा था कि सुनील की जमानत याचिकाएं तथ्यों या परिस्थितियों में कोई महत्वपूर्ण बदलाव के बिना दायर की जा रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि सुनील को जमानत की शर्तें तय करने के लिए 1 सप्ताह के भीतर निचली अदालत के समक्ष पेश किया जाए और राज्य का पक्ष भी सुना जाए। अगर आपको ये खबर पसंद आई हो तो इसे लाइक करना भूलिएगा नहीं, और ऐसी ही और ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए लाइफ लॉ।